लेजर हेयर रिडक्शन से रिलेटेड सोसाइटी में बहुत सारे मिथ्स हैं, आज उन पर हम चर्चा करते हैं। लेजर हेयर रिडक्शन कराने के बाद पेशेंट को क्या मोल्स एग्रेवेट हो जाते हैं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मोल्स एक जेनेटिकली प्रॉब्लम है जो कभी भी किसी फीमेल्स को आ सकते हैं, इसका लेजर से कोई दूर दूर तक रिलेशंस नहीं है। कई सारे लोगों का क्वेरी हमारे पास होता है कि लेजर कराने के बाद, हेयर रिडक्शन कराने के बाद स्किन में लूजनिंग हो जाता है, तो द आंसर इज नो। ये लेजर सिर्फ स्किन की हेयर रूट्स पर काम करता है, इसका लूजनिंग से स्किन के कोई रिलेशंस नहीं है। कई पेशेंट को लगता है कि आगे चल के हमें कैंसर या ऑर्गन डैमेज तो नहीं हो सकता है, तो इसके लिए भी हमारा आंसर इज नो, बिकॉज लेजर का जो बीम रहता है हार्डली पेनिट्रेट 3-4 मिलीमीटर इन साइड द स्किन, ये अंदर जाता ही नहीं है, तो इसको अंदर कोई ऑर्गन डैमेज का चांसेस नहीं रहता है। बहुत सारे पेशेंट को लगता है कि उन्हें इंटीमेट पार्ट्स का भी लेजर करा लेना चाहिए। यस, वी हैव अ गुड ऑप्शंस। आप इंटीमेट एरियाज को शेव या वैक्स करेंगे तो आगे उस एरिया पर रफनेस या पिगमेंटेशन के चांसेस रहेंगे, तो इट्स बेटर टू टेक लेजर हेयर रिडक्शन जो कि सेफ है, हाइजेनिक है, एस्थेटिकली अच्छा लुक देता है और इसका कोई लॉन्ग रन पे अपने को साइड इफेक्ट नहीं है। अपने को सेंटर में जाके ये देखना है कि जो डॉक्टर मशीन आपको यूज कर रहा है वो US FDA अप्रूव्ड मशीन है कि नहीं है। अदरवाइज बहुत सारे चाइनीज और इंडियन लेजर मार्केट में हैं जो कि पेशेंट को कॉम्प्लिकेशंस देते हैं, नंबर ऑफ सेशंस ज्यादा लगाते हैं, पेशेंट का लेजर के ऊपर से भरोसा हटता है। हमारे सेंटर पे हम लोग प्राइमलेज जो कि USFDA अप्रूव्ड लेजर है, वन ऑफ द बेस्ट ब्रांड अमंग द वर्ल्ड है, वो यूज करते हैं, जो प्रॉमिसिंग रिजल्ट देने के लिए हम लोग कमिट करते हैं।